जी जनाब, उसके लिए मैंने ये एक सॉस पैन लिया है, ये आपको दिख रहा है। उसके साथ मैंने ये 454 ग्राम बटर की जो पीस होता है ये लिया है, ये जो एक पैक होता है बटर का, ये अनसाल्टेड बटर है। और इसका मैं घी बनाने लगी हूँ और आपके सामने मैं बनाती हूँ, और कैसे कैसे बनाना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको मेरा पैन दिख रहा है, मैंने ये पैन रखा है उसके ऊपर सॉस पैन, उसके अंदर मैंने ये बटर रख दिया है। पैन थोड़ा गर्म था, इसलिए अब जनाब बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है, ये आप देख रहे होंगे, ये देखें ये बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसको मैं आंच को थोड़ा जो है लो टू मीडियम कर दूंगी, ये मैंने ऑलरेडी कर दी है, ये मेल्ट हो जाता है। फिर साथ साथ कैसे करना है आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये इतना मज़े का घर में देसी घी बनता है और बहुत ही जो है ना इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। दूसरा ये है कि आपको पता होता है कि आपने कैसे कैसे बनाया है, जो बने बनाए रेडीमेड मिलते हैं उनका हमें नहीं पता होता कि हमने उनके अंदर क्या, हमें पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या है, और उनकी इतनी अच्छा टेस्ट भी नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कि घर में चीज़ें बना लिया करें, क्योंकि अपनी सेहत से बढ़ के तो नहीं कोई चीज़ होती। ये देखें जनाब, ये कितनी अच्छी लुक आ रही है, ये बटर अभी मेल्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, और फिर आगे कैसे कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये घी बनना स्टार्ट हो गया है। अब इसका जब इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो आपको भी चाहिए कि पास खड़े रहें और ज़्यादा जो है आँच ऊपर ना करें, क्योंकि इससे फिर आपका घी उबल के बाहर निकल जाएगा। और अब ये जिसके इसके ऊपर जो आपको झाग सी नज़र आई हुई है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने आगे क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक मज़े की बात बताऊं, घर में तो बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं, बट सम कुछ लोग होते हैं उनको बाहर से चीज़ लेने का चस्का होता है, इसलिए वो फिर उनको चाहिए भी होती है कि देसी चीज़ें उनको मिले, लेकिन वो घर में कुछ नहीं करते। इसी तरह मेरी अपनी फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उनको हर चीज़ देसी चाहिए होती है, लेकिन उन्होंने थोड़ी मेहनत नहीं करनी होती कि घर में भी बना लिए, बस रेडीमेड चीज़ें चाहिए होती हैं और रेडीमेड ही लेती हैं। और फिर ये भी साथ कहेंगी कि मज़ा नहीं आया। सीक्रेट आपको बताऊँ, वो मेरी भाभी हैं और उनको बस हर वक्त ये होता है कि ये देसी चीज़ें, जब वो पाकिस्तान से आती हैं ना, तो मज़े की बात है कि उनके बैगों में कपड़े नहीं होते, उनके बैग में देसी घी, गुड़ एंड दालें एंड पाकिस्तान के स्पाइस होते हैं, और इस तरह की चीज़ें लेके आती हैं कि उनको बहुत मज़ा आता है कि ये सारी चीज़ें खाने का, लेकिन वो खुद नहीं बनाती। अब उन्होंने मेरी वीडियो देखनी है ना, तो उन्होंने कहना ये देखो मुझे इसने पॉइंट आउट किया है कि वीडियो में भी, लेकिन है बहुत अच्छी है कि हंसे की सुन के। ये कितने मज़े की लुक है और कितने मज़े से घी बन रहा है, ये ऐसे ही बनता रहेगा, इसको ऐसे ही बॉयल से आते रहेंगे, और इसके अंदर से फिर वो जो होती है वो जैसे कि हम जब हमारी माएँ देसी घी बनाती थी तो वह कहती थी ये लस्सी साटते हैं, अंदर से लस्सी जो है ना कि वो जल रही है अंदर से। तो ये तो रेडीमेड बटर है, इसके अंदर तो वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है जैसे कि हमारे अपने घरों में बटर के अंदर होती है। फिर भी देसी घी बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस होता है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। सारा होगा कि अब हमारा देसी घी जो है इस प्रोसेस में आ गया है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए जनाब, ये कितने मज़े की है, और इसके ऊपर जो झाग थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब ऐसे ही है कि अब लास्ट मोमेंट पे है हमारा देसी घी जो है, लास्ट मोमेंट की के प्रोसेस में है, और इतने मज़े की लुक इसकी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बहुत अच्छी। आप भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब तो मुझे लगता है कि मेरी भाभी भी देख के ज़रूर बनाएंगी कि जैसे कि ये तरीका मैंने बता दिया है, तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है देसी चीज़ों का के गुड़ का, देसी घी का, साग का, और बाकी भी सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं कि मुझे देसी चीज़ें मिले।
लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर घर में भी ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं बाहर से मंगवाने की बजाय। इसको जो जिस पर स्टोव पे था उससे मैंने पीछे कर दिया है। अब ये बगैर आंच के ही जो है ना बन रहा है। अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा करेंगे फिर इसका कलर चेंज हो जाता है और फिर वो मज़े का कलर नहीं लगता। अब ये खुद बहुत ही पैन के अंदर जो है ना ऐसे ऐसे हो रहा है। और आप आगे क्या करना है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इतने मज़े की बात यह है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है इजीली। मज़े की लुक है इसकी और कितने मज़े का कलर है। अगर हम इस तरह बना के रख लें, और अब जैसे कि रमज़ान का महीना आने वाला है अल्लाह की खैर से, और हम इस सहरी के टाइम इसका पराठा बनाएं, क्योंकि उस वक्त वो बटर यूज़ करते हैं तो वो घरों में धुआं से इकट्ठा हो जाता है और इसका वो नहीं होता ना कि इसका अगर ये पराठों में यूज़ करें तो वो घर में धुआं नहीं बनता। मैं ये एक स्ट्रेनर लिया है और इसके साथ मैं जो है स्ट्रेन कर रही हूँ इसके साथ। ये देखें, ये आपके सामने कर रही हूँ और कितने मज़े का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक जो बटर का वो होता है पीस कह लो या उसको वो टिक्की कह लो या उसको क्या कहते हैं, उसका मैंने ये बनाया है। मेरे पास स्केल भी है और मैं आपको बताऊंगी कि इसका कितना बना है। ये जनाब देखें कि कितने इजी से बन गया है, और विद इन 15 मिनट हमने जो है जो रेडी कर लिया है। ये देखें कितना मज़ेगा और कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, और कितना कलर कितना प्यारा है। ये जनाब ये देखें मैंने स्केल पे रखा है, और ये जो हमारा घी बना है ये 347 ग्राम बना है बटर के एक पीस में से। वो बटर का पीस होता है ऑलमोस्ट 400 समथिंग, और ये 347 ग्राम बना है। और ये देखें ये कितने मज़े से बना है, और आप भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक देना। मैंने तो आपके सामने ये देखे विद इन 15 मिनट देसी घी बना लिया है। ये देखें हमारा देसी घी रेडी हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक देना। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो पहले से हैं अगर वो वीडियो देखते हैं तो वो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखना। एडवांस में रमज़ान मुबारक।